हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं ईओडी एडवेंचर पार्क, जो है मयूर विहार पॉकेट डी गेट नंबर 2। इसे लोकल के लोग संजय झील के नाम से भी जानते हैं। जो आपको नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगी वो है मयूर विहार पॉकेट 1, और ई रिक्शा लेके आप वहां से इजिली ईओडी एडवेंचर पार्क पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की। जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक है, और ये वीक में 7 डेज ओपन रहता है। अब बात करते हैं टिकट्स की। तो टिकट्स की यहाँ पे 3 कॉम्बो पैक अवेलेबल हैं। जो पहला है वो है एडवेंचर कॉम्बो पैक, जो 300 रुपए का मिलता है, और इसमें सिर्फ 5 एक्टिविटीज हैं। बात मानिए, इसको मत लीजिएगा वरना आपका पूरा मस्ती चौपट हो जाएगा। जो दूसरा है वो है कॉन्करर पैक, जो 500 रुपए का, और इसमें 12 एक्टिविटीज है। दैट मीन्स आपको फुल टूर धमाल करने को मिलेगा। तीसरा है इसमें किलर कॉम्बो पैक, जो 750 रुपए का है। इसमें भी 12 एक्टिविटीज है, बट इसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको इसमें वन टाइम अनलिमिटेड बफे एंजॉय करने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं एनुअल पासेस की। अगर आप एनुअल पास बनवाना चाहते हैं, अडल्ट हैं तो आपको 2000 रुपए लगेंगे, और बच्चे हैं तो 1000 रुपए लगेंगे। यानी आप एक साल तक अनलिमिटेड मस्ती यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो हमने करीबन यहाँ से अपने घर से 2 बजे के आसपास निकले थे ईओडी एडवेंचर पार्क के लिए, और हम 3 बजे पहुँच गए थे, और हम लोग टोटल 7 से 8 लोग थे, फुल ऑन मस्ती करने के मूड में थे। तो हमने वहां पर पहुंच के टिकट बुक किया था, और हमने कॉन्करर कॉम्बो लिया था, यानी कि 500 रुपए का। आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही टिकट लेने के बाद हमने एंट्री ली, और ग्रीनरीज देखने को मिल गई, एक्टिविटीज एंड गेम्स देखने को मिल गया था, और हम ऑलरेडी सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। तो हमारी सारी चिल्ड्रन टीम ने डिसाइड किया कि हम अपना सबसे पहला एक्टिविटी जो करेंगे वो होगा बॉलिंग की तरफ। तो हम बढ़ चुके अपने बॉलिंग कोर्ट की तरफ, और ये है ईओडी एडवेंचर पार्क का बॉलिंग कोर्ट, जहाँ पे आप जी भर के बॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला है नहीं। हमने वहाँ पे फुल ऑन मस्ती की थी। आपको पर पर्सन वहाँ पे 10 बॉल तो मिलता है, बट सिंस वहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, तो आप किसी भी लेन में बॉल कर सकते हैं, कैसे भी बॉल कर सकते हैं, स्ट्राइक हो या ना हो, किसी को वहाँ पे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आप जी भर के वहाँ पे इंजॉय कीजिए। बॉलिंग कोर्ट के जस्ट सामने में आपको टेबल टेनिस का भी सेक्शन मिलता है। यहाँ पे भी आप अपने मन के मालिक हैं, जितना देर चाहे आप खेल सकते हैं। अब इन दोनों को एंजॉय करने के बाद अब हम निकल चले हैं अपने टी टॉप कोर्स के लिए। ये टी टॉप कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आपको पिकनिक में ही लग जाएगा। टी टॉप कोर्स बेसिकली वेरियस पैटर्न्स बनाए गए हैं ट्री पे, नेट के थ्रू, टायर्स के थ्रू और वुड्स के थ्रू, जिसको आपको क्रॉस करना है, और इसमें पूरा खेल बैलेंसिंग का है। ये देखिए, मैंने स्टार्ट किया और ये मेरा पहला जो पैटर्न था क्रॉसिंग का वो ये था, जिसमें वुडन ब्लॉक्स थे, उसको आपको एक रोप के सहारे क्रॉस करना था। और ये देखिए, ये है हमारा दूसरा पैटर्न, जिसमें आपको 2-3 लेयर्स मिलेंगे नेट को, और इसमें पकड़ने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल बैलेंसिंग करके इसको क्रॉस करना है। और ये देखिए अंश गिरता हुआ नजर आया। देखिए, फिर भी ये लड़का एंजॉय कर रहा है, डर नाम की कोई चीज नहीं है, और ये दोबारा गिरा। ये फाइनली क्रॉस कर गया। और ये देखिए, अब मैंने शुरू किया है, देखते क्या होता है। लो भाई, धीरे धीरे करते हुए चल रही हूँ। ये देखिए, इतना तो पता चल गया कि भैया खतरों के खिलाड़ी देखने का कुछ तो असर हुआ है, थोड़ी बहुत ही सही बैलेंसिंग सीख तो गई हूँ। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑडिशन दूँ या नहीं दूँ। एंड फाइनली ये ओवर। और ये देखिए मिस्टर आयुष राज को, ये भी मस्त इंजॉय करता हुआ, मस्त डांस करते हुए, भैया गिरे तो कहाँ जाओगे। और ये फाइनली इनका भी हो गया। अब हमारी उत्सव आगे आते हुए आंध्र को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई गिरा होगा। और ये भी मस्त डांस करते हुए। तो
एंड फाइनली सेकेंड पैटर्न हो गया हमारा कम्प्लीट। ये तीसरे पैटर्न एक टनल बना हुआ था नेट के बेसिस और कुछ कपड़ों का इस्तेमाल करके एक टनल बनाया गया था, काफी लॉन्ग था और डार्क भी था। ये कैमरे की वजह से आपको वहां पे थोड़ी लाइटनिंग दिख रही है, अदरवाइज इट वॉज कम्प्लीटली डार्क। हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होगा, उतना स्पेस है कि आप इजिली जा सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, ये थोड़ा ऊपर नीचे था नेट का अंदर में ताकि आपको प्रॉपर टनल टाइप का फील हो। ये कहाँ फंस गए तुम अंश, तुम कहाँ फंस गए हो? ये देखिए अंश थोड़ा सा अंदर में फंसता हुआ, थोड़ा था ये, तुम कहाँ फंस चुके हो? सही था ये। ये फाइनली अंश बाहर निकलता हुआ। एडविक कहाँ फंस रहा है? एडविक तुम कहाँ फंस गए हो? अब ये एडविक फंसता हुआ और उसके पीछे मैं। और ये हमारा जो पैटर्न था ये थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज एक पत्ती से रस्सी पे आपको एक वुडन प्लैंक दिया गया था जो काफी छोटा था और सपोर्ट के लिए सिर्फ दो पतली रस्सी थी साइड में और कुछ भी नहीं था। जो नेट है सेफ्टी के लिए वो भी 2 फीट नीचे है तो इसलिए हमें केयरफुली चलना पड़ता है। हाँ, टी ड्रॉप कोर्स करते समय आप बैलेंसिंग तो पक्का सीख जाओगे कहीं ना कहीं आप। और एक बेहद खूबसूरत सा वुडन स्लाइड था जिसमें स्लाइड करने में बड़ा मजा आ रहा था, दो इतनी स्लिपरी नहीं थी, आपको थोड़ा सपोर्ट पैर का चाहिए होगा स्लिप करने के लिए। बट हाँ, टी टॉप कोर्स में आके एक चीज की तो गारंटीड है कि आपको आपके स्कूल के डेज के वो झूले याद आ जाएंगे, वो स्लाइड्स याद आ जाएंगे जो आप एक टाइम पे स्कूल पे करते थे, बचपन जी जाओगे टी टॉप कोर्स पे। ये देखिए अंश को अगेन एक अच्छे से मस्त पोज में ये बंदा स्लाइड करता हुआ, किसी चीज की कोई डर नहीं है, मस्त एंजॉय करता है ये। और ये अब स्लाइड के बाद हम इस पैटर्न पे, ये टायर्स के ही बने हुए थे, बस हमें इसके जॉइंट्स पे चलना था और इसमें सपोर्ट के लिए वैसे ही सिंपल सी एक प्लेन सी रस्सी थी बाजू में जिसको आपको पकड़ के चलना है। और ये भी सेम वुडन प्लैंक्स, इसमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, बाकी इसमें वैसा कुछ भी नहीं था, नेट था, नेट के थ्रू ही आप पकड़ के चल सकते, इसमें तो रस्सी भी नहीं थी। और ये हमारा लास्ट सेक्शन था जिसमें आपको टायर के जॉइंट्स पे चलना है, टायर के बेसिस पे बना हुआ था। टी टॉप कोर्स बेसिकली एक बैलेंसिंग है, अगर आप बैलेंसिंग जानते हो तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे, अदरवाइज आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर हाँ आप इंजॉय फुल ऑन करोगे टी टॉप कोर्स को। और अब हमारा ये टी टॉप कोर्स हो गया है ख़त्म, अब हम देखते हैं अपना दूसरा एक्टिविटी हम क्या करते हैं। अब वही डिस्कशन हो रही है कि अब हमारी और दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी होनी क्या चाहिए। वैसे ईओडी एडवेंचर पार्क में आपको ग्रीनरी भरपूर मिलेगी, आपको कहीं पे भी वैसा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं है। देखिए आपको साइड में आपको थोड़ी बहुत मंच करने का स्नैक शॉप्स भी आपको साइड बाय साइड मिलता जा रहा है, प्रॉपर ग्रीनरी आपको दिखने को मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे राइट हैंड साइड है रेन डांस, जहाँ पे आपको लाउड म्यूजिक और फाउंटेन्स भी मिलेंगे, आपको जम के डांस करने को मिलेगा अगर आप रेन डांस जा रहे हो तो। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो आपको लॉकर सेक्शन भी दी गई है जहाँ पे अपने बैग्स, कपड़े, वॉलेट्स रख सकते हो, सेफ्टी का इशू नहीं है ईओडी एडवेंचर पार्क में, आप कंप्लीट सेफ हो, आपका लगेज सेफ है, इनफैक्ट खाने पीने का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब हम आ गए हैं अपना साइकिलिंग सेक्शन के लिए। साइकिलिंग सेक्शन में मैं और अंश साथ में है और पीयूष और अर्विक साथ में और हम दोनों चल रही है। और आपको देख सकते हो ईओडी एडवेंचर पार्क का एकदम बेहद खूबसूरत सा नज़ारा, आप 360 व्यू देख सकते हो, ग्रीनरी देख सकते हो, नीचे और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, आप वो भी देख सकते हो, आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, लोग कोई बोर नहीं हो रहा है एक्जैक्टली। आप वीकेंड पे फैमिलीज़ के साथ आप ज़रूर वहाँ पे जाइए, फुल ऑन एंजॉय कीजिएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे टी टॉप कोर्स के बाजू में ही लेज़र टैग की सेक्शन थी जो बेसिकली पेंट बॉल अगर आप जानते हो तो उसके जैसी थी, बस वहाँ पे आपको फोटोज़ और वीडियोस करने को नहीं मिलता है तो इसीलिए वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जो पबजी लवर्स हैं उनको तो सीरियसली वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, जैसे एडविक अंश को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था ये चीज़ खेलने में,
मज़ा तो नो डाउट आपको आएगा। और ये फाइनली हमारा अब ज़िपलाइनिंग साइकिलिंग सॉरी हो गया है ख़त्म। अब देखते हैं अब आगे हम क्या करते हैं। और आपको यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप रील्स बना रहे हो वो सारे पॉइंट्स पे आपको बहुत सारा यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, तो फुल ऑन आप मज़ा उठा सकते हो। और अब हम हेलमेट और अपने ग्लव्स के साथ रेडी हो गए हैं जिप लाइनिंग के लिए। अब हम देखते हैं आगे जिप लाइनिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा होता है। और ये बैठाते हुए बैठान तो देता है भैया, उसके बाद जब ये इंसान धक्का देता है ना तब तो एक मिनट के लिए लगता है कि गए। धक्का तो देगा उसके बाद तो समझ सारा ना कि ब्रेक भी हमें लगाना है। तो भाई तुम धक्का भी दे रहे हो ब्रेक भी हमें लगाना है तो क्या ही फायदा। और ये 1 2 3 ये देखिए एक सीनिक तो व्यू है, नहीं लगता 360 व्यू में आप किसी हिल स्टेशन पे हो, इतने टॉल टॉल आपको ट्रीज दिख रहे हैं, व्यू काफी अच्छा है, नीचे और भी आपको चीज आपको दिखने को मिल रही है। इट इज अ ईओडी एडवेंचर पार्क, आप आ रहे हो तो आपकी प्रॉपर डे आउटिंग होने वाली है, फैमिली के साथ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, आप जरा सा भी बोर नहीं हो। ईओडी एडवेंचर पार्क में आप जब भी आए तो एक ग्रुप के साथ पूरी फैमिली के साथ आए, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना आप इंजॉय कर पाओगे। स्पेशली आजकल जो स्ट्रेस वाली लाइफ चल रही है ना दोस्तों, और ये देखिए ये मेल्टडाउन गेम, आई होप आपको इसको देखिए कुछ तो याद आया होगा, डिज्नी चैनल पे आता था ना द केशीज कासल, जिसमें ये शो था उसी से इंस्पायर्ड है ये गेम। लेकिन यहाँ पे अगर आप गिरे तो पूरा धूल से आप भर जाओगे, वहाँ तो खैर कुशनिंग होती है बट हाँ इट इज़ वेरी इंजॉयबल गेम। और ये उसके बाद ये भी बड़ा मज़ेदार सा गेम था, तो हमने नहीं खेला था बच्चे ने खेला था। ये देखिए इसमें आपको जंप करना होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है बेसिकली। कोई जंप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, एडविक करो बहुत जब घूम रहा है एड्रेस बने। और ये देखिए हाँ आयुष ने एक बार जंप किया, ये दूसरी बार हुई, ये तीसरी बार हुई, और ये चौथे बार में इनको भी लग गई। बेसिकली घुमा फिरा के कोई नहीं किया, बस उन्होंने ही किया। और वहाँ पे एक आर्चरी सेक्शन भी था जिसमें आपको बो एंड एरो दिया जाता है और आपको जोर से निशाना लगाना पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसे फुस हो जाओगे। एंड ये पूरी फैमिली का इनफैक्ट सबका फेवरेट पार्ट है ईओडी का, और वो है ट्रैम्पलिन, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट अंदर दी जाती है फुल ऑन इन्जॉय करने के लिए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, आपको इसमें जो करना है करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजेस आप बहुत अच्छे से वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो। आपको वहाँ पे सॉक्स दिए जाते हैं पहनने के लिए, आपको अपने सॉक्स नहीं वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उसी को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना नहीं पहन सकते हो। और ये ईओडी एडवेंचर पार्क का शाम का नज़ारा, बड़ा पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, म्यूज़िक है, लाइटनिंग है, यू नो फूड है, फन है, स्पेशली आपकी फैमिली रहती है ना तो आपका दिन अच्छा बीतता है। शाम के देखो आप गन्ने का जूस है, नींबू पानी है, शिकंजी है, इनफैक्ट शिकंजी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, हमने भी ट्राई किया। मंच करने को भी आपको वहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा बट हमने नहीं लिया था। दोस्तों यहाँ पे आपका दिन बहुत अच्छे से बीतेगा, फैमिली है तो ऑब्वियसली एक दिन तो सबको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, कुछ चाहिए अपने फैमिली के साथ टाइम, तो आप स्पेशली यहाँ पे जा सकते हो। आपकी फैमिली दिल्ली आए या फिर आप दिल्ली बेस्ड हो तो आप जा सकते हो। और ये ईओडी एडवेंचर पार्क का है एंट्रेंस का रात का व्यू है, काफ़ी प्यारा, यहाँ पे भी लाइटिंग है, वाइब भी अच्छी है, यहीं पर आपको टिकट काउंटर भी मिल जाता है तो आप ईजिली अगर ऑनलाइन नहीं टिकट लिया तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमारा आज का दिन ख़त्म,
आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।